ओके हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू क्लास सरसाइड एंड वेलकम टू अवर चैनल एंड वेलकम टू केमिस्ट्री। टुडे वी विल डिस्कस वेरी इम्पोर्टेंट, दैट इज ऑन ईटर पॉइंट ऑफ व्यू, एमडिकेट पॉइंट ऑफ व्यू एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज पॉसिबल डेफिनेट एमसीक्यूज ऑन द बेस ऑफ Graham's law of diffusion or effusion. At the previous lecture we have discussed Graham's law of diffusion or effusion, and also we discuss what is diffusion and what is effusion. But today we will discuss different MCQs which is possible on exam paper, numerical, ETA point of view, AMDICATE point of view and NEET point of view, which is possible on Graham's law. पिछले वीडियो में मैंने ग्रेम लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन को डिस्कस किया था, लेकिन इसी सेशन में, इसी वीडियो में मैं वो डिफरेंट MCQs डिस्कस करूँगा जो ग्रेम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन से पॉसिबल है। लेकिन डिफरेंट MCQs डिस्कस करने से पहले What is Graham's law of diffusion, effusion and its mathematical form? वो सारा आपको याद होना चाहिए। एक MCQ आपसे पॉसिबल है कि Graham's law of diffusion, effusion जो है कब पेश हुआ है। So that is 1829. Graham's law of diffusion, effusion जो है ये Graham साइंटिस्ट ने 1829 में पेश किया था। और पेश क्यों किया था, मकसद क्या था इसका, एम मैंने आपको बताया था कि आर एम डी के दरमियान रिलेशनशिप का पता चल जाए। और इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या था, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म आपको पता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो है ऑफ द टू डिफरेंट गैसेस, दैट इज ए एंड बी, इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी ऑफ द गैस बी एंड गैस ए। या इसको आप यू भी लिख सकते हैं, डेंसिटी की जगह आप मोलर मास भी लिख सकते हैं, दैट इज एम बी और एम ए, दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द ग्रेम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ द गैस ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी और द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मासेस। ये एक मैथमेटिकल फॉर्म आपको आना चाहिए, इससे MCQs पॉसिबल है। MCQs कैसे पॉसिबल है, सपोज अगर वो आपसे पूछे कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और व्हाट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि अगर वो कहे कि ए का डिफ्यूजन बताए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आपने बी का वन लेना है। अगर वो कहे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी बताए विद रिस्पेक्ट टू ए, फिर आपने ए का वन लेना है। मतलब जिसके रिस्पेक्ट के लिहाज से आपने रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन बताना है, तो उसी के लिहाज से आपने फिर दूसरे को कंपेयर करना है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ए का पूछा है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी का वन ले ले। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी का पूछा है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए का वन लेना है। बात समझ आ रही है ना। अब फॉर एग्जाम्पल अगर MCQs आ जाए लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो MCQs लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस ए स्क्वायर रूट टू टाइम दैट ऑफ बी, मतलब बी के लिहाज से ए का रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछा है, तो बी का हमने क्या लेना होगा, वन। और मोलर मास ऑफ द ए भी दिया है, दैट इज 16। याद रखिए जिस गैस का, लाइक फॉर एग्जांपल जिस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया जाए दैट इज ए, उसी का अगर मोलर मास भी दिया जाए, जिस गैस का डिफ्यूजन दिया जाए उसी का मोलर मास भी दिया जाए, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा इस चीज का। देखिए यहां पे आपने रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी फाइंड करना है, रेट ऑफ बी फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी विल बी इक्वल टू व्हाट,
rate of diffusion of the B will be equal to J. Okay, so rate of diffusion of the B will be equal to molar mass of the A divided by molar mass of the B under root multiplied by rate of diffusion of A. इस मैथमेटिकल फॉर्म को फिर हम यू भी लिख सकते हैं. सपोर्टिंग वैल्यू, what is the molar mass of A? That is 16. I'm sorry, यहाँ इस चीज़ को मैंने गलत कर दिया. मोलर मास ऑफ बी लिख दें यहाँ, और यहाँ मोलर मास क्या लिख दें? ए. व्हाट इज द मोलर मास ऑफ गैस बी? दैट इज 16 अंडर रूट. एंड व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द बी? द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस ए इज अंडर रूट 2 टाइम दैट ऑफ बी. इफ मोलर मास ऑफ द ए इज 16, देन मोलर मास ऑफ द बी. ओके सॉरी, यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन नहीं मांगा है, यहाँ पे उसने मोलर मास मांगा है. क्या मांगा है? मोलर मास. मोलर मास मांगा है ऑफ द बी. अच्छा, कहता है कि अगर ए का डिफ्यूजन जो है वो अंडर रूट 2 है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी के यहाँ पे हमने क्या लेना है? 1. मैंने आपको क्या कहा कि अगर सपोज बी का फाइंड करना हो विद रिस्पेक्ट टू ए तो ए का 1 लेना है, अगर ए का फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू बी तो बी का 1 लेना है. तो मतलब जिसके रिस्पेक्ट के लिहाज से करना है उसका 1 लेंगे. सो द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज दैट. अब फॉर एग्जाम्पल हमने निकालना है क्या, सो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए डिवाइड बाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी दैट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द बी डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द ए अंडर रूट. अब हमने चूंकि निकालना है मोलर मास ऑफ द बी, मोलर मास ऑफ द बी निकालना है, सो मोलर मास ऑफ द बी विल बी इक्वल टू, मोलर मास ऑफ द बी विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ द ए मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए स्क्वायर. स्क्वायर हमने क्यों किया? क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू खत्म करने के लिए टेकन स्क्वायर बोथ साइड. तो मोलर मास ऑफ द बी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द ए एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन स्क्वायर. सपोर्टिंग वैल्यू, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ए? दैट इज 16. एंड व्हाट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन? द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस इज 2 टाइम अंडर रूट स्क्वायर. Square with under root cancel. So 16 multiplied by 2, that is equal to what? That is equal to 32. So the correct option of the second MCQ is that the rate of diffusion of the gas A is 2 under root time that of the B. If molar mass of A is 16, that what will be the molar mass of the B? So once again, अगर आपको आपसे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए पूछे विद रिस्पेक्ट टू बी तो बी का 1 लेना है, या बी पूछे विद रिस्पेक्ट टू ए तो ए का 1 लेना है. सो ए के साथ डिवाइड करें या मल्टीप्लाई कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे मोलर मास पूछा है तो मोलर मास का तो अंडर रूट है, तो अंडर रूट को ख़त्म करके हमने दोनों साइड पर स्क्वायर ले लिया, तो स्क्वायर कैंसिल विद अंडर रूट, स्क्वायर उस साइड पे चला जाएगा. सो मैं लिख सकता हूँ कि इस फॉर्मूले से कि मोलर मास ऑफ द बी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द ए एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए स्क्वायर. मोलर ऑफ द ए गिवन दैट इज 16, सो 32. सो मोलर मास ऑफ द बी विल बी 32. बात समझ आ रही है ना? सो ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है ग्रेन्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन का, दैट रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई रेट ऑफ बी is equal to molar mass of the B and under root divided by molar mass of the A. बात समझ आ रही है ना? इसी तरह आपको और भी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द ग्रेम लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन आना चाहिए.
वो कहता है, ये एक और डिफिनीशन है, एक और मैथमेटिकल फॉर्म बता रहा हूँ ग्रेम लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन का, कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई टी। आप कहेंगे सर एन बाई टी क्या है? टी मतलब कोई यूनिट टाइम आप ले लें, वन सेकेंड लेना है, वन मिनट लेना है, वन हावर लेना है, वन डे लेना है, जो भी आपने लेना है यूनिट टाइम है। और एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। कितने नंबर ऑफ मोल? मतलब वन सेकेंड में जितने नंबर ऑफ मोल्स पास हो रहे हैं दैट इज एन बाई टी, या वन मिनट में जितने नंबर ऑफ मोल्स पास हो रहे हैं, या वन हावर में, या वन डे में जितने नंबर ऑफ मोल पास हो रहे हैं। सपोज मैं वन सेकेंड लेता हूँ कि वन सेकेंड में जितने नंबर ऑफ मोल पास हो रहे हैं दैट इज एन बाई टी। जारी बात है, जब वन सेकेंड में नंबर ऑफ मोल ज्यादा पास होंगे सो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? ज्यादा होगा। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई टी, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स पास थ्रू अ पॉइंट एंड यूनिट टाइम। जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा पास होंगे एंड यूनिट टाइम, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उतना ज्यादा होगा। दैट इज ऑल्सो ग्रेम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। या इसको मैं यू भी लिख सकता हूं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई टी। मतलब पर यूनिट टाइम में वॉल्यूम ऑफ द गैस जो पास हो रहा है, जारी बात है यूनिट टाइम में अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस ज्यादा पास हो रहा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। अगर यूनिट टाइम में वॉल्यूम ऑफ द गैस थोड़ा सा पास हुआ है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। सो यू कैन ऑल्सो बी राइट द ग्रेम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन इज दैट। या मैं यू भी कर सकता हूँ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बाई टी। What is x? X means the distance traveled by a molecule. अगर per unit time में distance ज़्यादा travel किया है तो rate of diffusion ज़्यादा होगा, अगर per unit time में distance कम travel किया है तो rate of diffusion कम होगा। So ये भी mathematical form है, ये भी mathematical form है rate of diffusion effusion, और ये भी mathematical form है the rate of diffusion or effusion। इस MCQs को तो हमने हल कर दिया second वाला, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके, सो दैट इज ऑल्सो मैथमेटिकल फॉर्म रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन। तो जब ये मैथमेटिकल फॉर्म अगर आपको आते हैं तो मैं लिख सकता हूँ, मैं और भी मैथमेटिकल फॉर्म बना लेता हूँ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन क्या था, कि आर ए डिवाइडेड बाई आर बी दैट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द बी डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द ए अंडर रूट। ये था ना। अब इसी रेट की जगह मैं लिख सकता हूँ एन बाई टी। So, एन ए डिवाइडेड बाई टी एंड आर बी इज वर्ड एन बी डिवाइडेड बाई टी, दैट इज टी ए एंड दैट इज टी बी। सो दैट इज इक्वल टू एम बी डिवाइडेड बाई एम ए अंडर रूट। इस चीज को ऊपर ले जाए, सो एन ए NT divided by NB and TA, that is equal to, बात समझने की कोशिश करें, इस मोल ग्रेम लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन को हम यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेट की जगह मैंने N by T लिखा, नीचे भी रेट है सो N by T, सो ये इक्वेशन भी हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे v by t भी आप लगा सकते हैं, v by t, या यहाँ पे x by t भी आप लगा सकते हैं, तो आपको मुख्तलिफ फॉर्म ये भी बन रहे हैं। तो ये भी कभी कभार MCQs आता है कि विच वन इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द ग्रेम लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन, वो वाला भी दिया होता है, साथ ये भी दिया होता है, और x r की जगह v by t भी साथ दिया होता है, और एक ऑप्शन दिया होता है ऑल ऑफ दीज। तो बच्चे जो है सिर्फ इसी को याद किया होता है, सिर्फ इसी को क्लिक करते हैं, साथ ये नहीं पता चलता कि जी ये भी मैथमेटिकल फॉर्म है, तो आपने ये भी अगर आपको पता है सवाल अफदीस पे आपने जाना है। बात समझ आ रही है ना। हाँ, अगर सपोज दोनों का टाइम इक्वल है, टाइम दोनों का इक्वल है, सो दे विल कैंसल, सो मोल डिवाइडेड बाई मोल इज इक्वल टू दैट। जैसा कि ये MCQs है कि इक्वल मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर विद अ फाइन होल थ्रू विच बोथ कैन एस्केप, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एस्केप इन सेम टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन हाफ ऑफ हाइड्रोजन मोल टू एस्केप। इसका मतलब है कि सेम दोनों का टाइम इक्वल है, जब दोनों का टाइम इक्वल है सो दे विल कैंसल। तो आप लिख सकते हैं मोल ऑफ ए दैट इज मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई मोल ऑफ हाइड्रोजन,
So that is equal to molar mass of hydrogen divided by molar mass of oxygen under the root. आपने किसके वो फाइंड करने हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, इसके मोल ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने हैं. सो मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अंडर रूट एंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय मोल ऑफ हाइड्रोजन. सपोर्टिंग वैल्यू, सो मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, या दैट इज 2, एंड व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, या दैट इज 16. Molar mass of hydrogen is, molar mass of hydrogen is 1 and molar mass of oxygen is, that is 2 and that is 16 under the root multiplied by mole of hydrogen. Iska under root le le to kya ho jayega? Mole of oxygen is equal to under the root, so that is 1 by 4 and mole of hydrogen. So 1 by 4 aa jayega and that is mole of hydrogen. इसका और इसका अंडर रूट ले ले, सो 16 का अंडर रूट 4. सो व्हाट इज द मोल ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या कहता है, इज द सेम टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ हाइड्रोजन टू एस्केप. कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एस्केप हुई है, सो दैट इज 1/2, सो दैट इज 1/2. सो मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू व्हाट, मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1/8. सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, 1/4, 1/8, 1/12, 1/20. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1/8. सो कहने का मेरा मतलब है कि सिर्फ आपको ये वाला मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द ग्रेम लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन नहीं आना चाहिए, आपको ये तीनों मैथमेटिकल फॉर्म भी क्लियर हो. और इसी रेट की जगह आप n बाई टी भी लिख सकते हैं, n बाई टी, v by t भी लिख सकते हैं, x by t भी लिख सकते हैं, तो आपको मुख्तलिफ मैथमेटिकल फॉर्म और भी आ सकते हैं. बात समझ आ रही है ना. और इसके अलावा देखिए, तीन चार तरह के MCQs पॉसिबल होते हैं ग्रेम लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन से. एक MCQs पॉसिबल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन के बारे में, कि जी रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन किसका ज़्यादा होगा. जाहिर बात है जिसका मोलर मास ज़्यादा हो, डेंसिटी ज़्यादा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, आपको पता ही है. दूसरा आर्डर ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन के बारे में पूछा जा सकता है. और तीसरा इस चीज़ के बारे में भी पूछा जा सकता है. सपोज अगर एक MCQs आ जाए कि जी चार गैसेस है, किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, तो सब चार गैसेस का मोलर मास निकाल दे, जिसका मोलर मास ज़्यादा है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा. आर्डर क्या होगा, जारी बात है उसका ज़्यादा होगा जिसका मोलर मास कम है. तो सपोज ए का मोलर मास कम है बी से, बी का कम है सी से, सी का कम है डी से, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द ए greater than B, greater than C and greater than D, मतलब जिसका मोलर मास कम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होगा. हाँ, अगर दोनों गैसेस का मोलर मास सेम है तो याद रखे उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम होगा. सपोज अगर MCQs आ जाए, MCQs पूछा जा सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो किस से इक्वल होगा. सपोज चार ऑप्शन दिए A, B, C, D. कार्बन मोनोऑक्साइड का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन है वो किस से इक्वल होगा. तो आप हमेशा याद रखिए डिफ्यूजन इफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, मोलर मास पे. तो इसका जो मोलर मास है, अगर किसी के साथ मोलर मास सेम है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम होगा. व्हाट इज द मोलर मास, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, सो मोलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज 28. सो ए बी सी डी में वो गैस देके जिसका मोलर मास 28 है, सो उसके साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कार्बन मोनोऑक्साइड का सेम होगा. सपोज ए पे है CH4, बी ऑप्शन में है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे पे है O2, चौथे पे है O3, और ई का आपका ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस. सो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ CH4, दैट इज 16. क्या CO से मोलर मास सेम है? नो. सो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इसके साथ सेम नहीं होगा. कार्बन डाइऑक्साइड 44, मोलर मास इज नॉट सेम, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम नहीं होगा. ऑक्सीजन 32, नॉट सेम, सो मोलर मास नॉट सेम, डिफ्यूजन भी सेम नहीं होगा. 48, मोलर मास इज नॉट सेम, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो नॉट सेम. सो द ऑप्शन इज वॉट, नॉन ऑफ दिस. तो कौन से ऑप्शन को क्लिक करना है? नॉन ऑफ दिस को करना है. बात समझ आ रही है ना. तो मेरे कहने का मतलब है
कि मुख्तलिफ मैथमेटिकल फॉर्म हो सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन अकॉर्डिंग टू द ग्राम्स लॉ, तो फिर आपको मुख्तलिफ जो फॉर्म है मैथमेटिकल फॉर्म है वो आपको आने चाहिए। सिर्फ वो एक दो मैथमेटिकल फॉर्म जो टेक्स्ट बुक में लिखे हैं वो नहीं, आपको मैथमेटिकल फॉर्म ये भी मालूम होनी चाहिए और आपको मैथमेटिकल फॉर्म ये भी आनी चाहिए, तब आपको एमसीक्यूज़ में भी कोई मसला नहीं होगा और आपको वैसे भी अगर कोई पूछ लेगी जी तो कोई मसला नहीं होगा। बात समझ आ रही है ना? तो आज जो मेरा वीडियो लेक्चर था वो ग्रेम लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन के बारे में जो एमसीक्यूज आते हैं, विच इज़ पॉसिबल इन एमटीकेट, पॉसिबल इन ईटा एंड पॉसिबल एंड थी नीट, तो उसके लिहाज से किस तरह एमसीक्यूज आते हैं तो वो मैंने सारा डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि और भी डिस्कस कर दूँ, लेकिन दैट इज़ ऑल अबाउट ग्रेम लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।